सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाना है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बजट पेश करेंगे। 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट हो सकता है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की जा सकती है। तो करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बजट पेश करेंगे और इस दौरान आय व्यय का पूरा लेखा जोखा सामने रखा जाएगा। कई नई योजनाओं की घोषणा भी अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर सकते हैं। तो युवा, महिला, किसान, इसके साथ ही युवाओं को रोजगार देने की बातें की जा सकती है। किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। तो अपने कार्यकाल का चौथा बजट आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेश करेंगे। पिछले बजट की तुलना में 5% तक बड़ा ये बजट हो सकता है। इसके अलावा युवा, रोजगार और निर्माण पर ये बजट केंद्रित रहेगा, फोकस किया जाएगा युवा, रोजगार और निर्माण पर। घोषणा पत्र के अधूरे वादों को पूरा करने का रोड मैप संभव है कि इस बजट में नजर आए, क्योंकि आने वाले साल में इलेक्शन है। 2023 के चुनावों को देखते हुए कई घोषणाएं की जा सकती है और चुनावी झलक इस बजट में आपको नजर आ सकती है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली से जुड़ी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर सकते हैं। वित्त विभाग ने इस योजना को लेकर तैयारियां, जो शुरुआती तैयारियां हैं, वो पूरी कर ली है। तो प्रदेश के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, ऐसे में इन्हें लेकर भी कुछ ऐलान हो सकता है। योजनाओं के संचालन के लिए से यानी उपकर लगाया जा सकता है, ये भी संभावना नजर आ रही है। उपकर से सालाना 130 करोड़ रुपए जुटाए जाने का भी अनुमान है। सीएम भूपेश बघेल अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे और आपको बता दें कि बजट आज पेश किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फेसबुक पर भी एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक वर्ग को न्याय सुनिश्चित करने की यात्रा को जारी रखने के लिए आम बजट प्रस्तुत करूंगा और ये नवा छत्तीसगढ़ का जनहितकारी बजट होगा, जनकल्याणकारी बजट होगा। ये बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। 12:30 बजे आज विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। तो अपने बजट भाषण में पुरानी पेंशन योजना की बहाली से जुड़ी कोई घोषणा कर सकते हैं। 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट होगा। वहीं वित्त विभाग ने इसकी शुरुआती तैयारी पूरी कर ली है। मजदूरों के लिए योजना का ऐलान इस बजट में किया जा सकता है। मजदूरों की 2 बेटियों के लिए 20,000 रुपए की सहायता राशि देने का प्रावधान हो सकता है और ये योजना कर्मकार मंडल में पंजीकृत मजदूरों के लिए होगी। जिला और ब्लॉक मुख्यालय पर श्रमिकों के लिए संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे। परिवहन सुविधा केंद्र बनाने का ऐलान, घोषणा इस बजट में की जा सकती है। और ये देखिए, ये ट्वीट भी किया मुख्यमंत्री ने। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में प्रत्येक वर्ग को न्याय सुनिश्चित करने की यात्रा को जारी रखने के लिए आज बजट प्रस्तुत करूंगा। बजट पेश होना है और उससे पहले मुख्यमंत्री ने ये आम जनता के लिए लिखा है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लिखा है और कहा गया है कि नवा छत्तीसगढ़ का जनहितकारी बजट होगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का बजट आज पेश किया जाना है और हर वर्ग इस बजट से उम्मीदें लगाए बैठा है। चर्चा हम करेंगे क्या कुछ उम्मीदें हैं और सरकार उस बजट पर कितना खरा उतरती है, उस उम्मीद पर कितना खरा उतरती है, चर्चा हम करेंगे। सीधे रुख करते हैं रायपुर, आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़े हुए हैं जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदित्य जी, ओवर टू यू। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बजट देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी राज्य के लिए और चूंकि अब हम बात कर रहे हैं 2022 की, चूंकि ये बजट आने वाले 2023 के चुनाव की रूपरेखा बहुत कुछ तय करेगा। लोक लुभावन बजट तो हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट सामने आए हैं, प्रत्येक वर्ग को न्याय देने वाला ये बजट होगा। देखिए, चुनावी बजट है ये, इसमें कोई संदेह नहीं। 2023 में सरकार को चुनाव में जाना है, कांग्रेस को चुनाव में जाना है और ऐसे में चूंकि अब 2023 का जब हम बात करें तो अगर मार्च में अगले साल बजट पेश होता है तो आधे से ज्यादा बजट खर्च नहीं कर पाती सरकार, तो पूरा कंसंट्रेशन इस बार के बजट पर रहेगा। अधिक से अधिक लोगों की पुरानी पेंशन योजना चूंकि राजस्थान सरकार ने लागू कर दी है, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में आज इसकी सौगात मिलेगी। मजदूर परिवार की बेटियों के लिए 20,000 रुपए की बात आई थी, वो है। अलग अलग कर्मचारी वर्ग के लिए बहुत कुछ है, इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा है। अब जो भी बजट आज का आना है, निश्चित तौर पर लोक लुभावन होना है। 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट आना है। आज की इस बजट पर चर्चा, चूंकि बजट ठीक दोपहर में 12:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेश करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मैं सभी का तारुफ आपसे कराता हूं। मेरे साथ अनुराग अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका।
मेरे साथ अजय चंद्राकर जी हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं, उनसे भी मैं आपसी बातचीत कराऊंगा। बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। कन्हैया अग्रवाल जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अजय चंद्राकर जी के पास ही चलता हूं। अजय जी, लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट आना है। बजट जब हम प्लान करते हैं तो निश्चित तौर पर जो प्लानिंग एक वित्त जानने वाले की होती है, एक इकोनॉमिक्स जानने वाले की होती है, वो सबसे पहले यही बात करता है कि हमारे पास आने वाली प्राप्तियां कितनी हैं, कितना हमारे पास, अभी फिलहाल हम बात करें तो कितना हमने लोन लेके रखा है, कितना सरकार के ऊपर कर्ज है, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये बजट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बजट होगा क्योंकि अगले साल सरकार को चुनाव पर जाना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है आदित्य जी आपका। देखिए, अभी पूरे हमारे देश में हम साउथ से लेकर के अन्य प्रांतों का जो बजट देख रहे हैं, इस बजट में आज थोड़ा हमें क्रिटिक होकर के बोलना पड़ेगा, क्योंकि बदली हुई जो परिस्थितियां हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसके पहले का ये आर्थिक सर्वे है और विभिन्न राज्यों का जो बजट आ गया है उनके पहले का है। इस दरमियान हुआ ये है कि क्रूड में जिस तरह से उबाल है, सीतारमण जी केंद्र का जब बजट प्रस्तुत की थी तो जीडीपी के ऊपर वो टारगेट रखी थी कि 70 से 75 डॉलर, आज की परिस्थिति में वो 140 डॉलर टच कर गया है। तो ये किसी भी प्रदेश और किसी भी देश और इंटरनेशनल लेवल पर उनके जीडीपी को प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर रही। दूसरी बात है कि राज्य सबसे महत्वपूर्ण बात बजट बना रहे हैं, उसमें एक चीज और छूट रहे समस्त राज्यों का आदित्य जी, वह यह है कि जून में जीएसटी का जो कंपनसेशन मिलता था समस्त राज्यों को, वो समाप्त हो जाएगा, तो एक बड़ी अर्निंग समाप्त होगी, जिसके कारण से समस्त राज्यों को अपने पैरों के बल ही खड़ा होना पड़ेगा राजस्व के दृष्टिकोण से। लेकिन ये भूपेश जी का जो बजट है, ये जिस तरह से सर्विस सेक्टर के ऊपर, सामान्य क्षेत्र में, सोशल सेक्टर के ऊपर या फिर आर्थिक क्षेत्र में जितना अच्छा गुंजाइश हो सकता है, निश्चित रूप से चुनावी समय जो आने वाला है उस दृष्टिकोण से देने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समस्त राज्यों को एक बहुत बड़ी राशि विपुल पैमाने पर जो ये बोरो किए हैं, लोन लिए हैं, उनके ब्याज में देना पड़ रहा है। इवन मैं केंद्र सरकार का डाटा देता हूं, केंद्र सरकार को ही 8,01,000 करोड़ रुपया सिर्फ ब्याज में देना पड़ा है। तो विषम परिस्थितियां हैं, चुनौतियां हैं, और इसके कारण महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो राजस्व में कमी आएगी। बिल्कुल कन्हैया जी, बहुत लोक लुभावन बजट पेश करने की तैयारी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि ट्वीट साफ दर्शाता है कि सभी वर्गों को न्याय मिलेगा। स्थिति लग रही है सरकार की, क्योंकि सरकार कर्ज तले दबी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत स्थितियां खराब है। अब आपको जीएसटी का पैसा मिलने वाला नहीं, जो केंद्र से आपको सहायता राशि मिलनी है काफी समय से पेंडिंग है, उसके बावजूद भी एक बड़ा वर्ग है जो ये सबको लग रहा है, चाहे वो यहाँ पर सरकारी कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, युवा हो, चूंकि युवाओं के लिए भी बहुत कुछ वादा आपके घोषणा पत्र में था, क्या लगता है बहुत कुछ मिलेगा इस बार के बजट में? देखिए, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट का भी आपने उल्लेख किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि न्याय यात्रा जो है वो जारी रहेगी, और पिछला 3 वर्ष भी जो गुजरा है, इस 3 वर्ष में भी सरकार ने अपने किए हुए वादों को निभाने के साथ साथ हर वर्ग को राहत पहुंचाने का काम भी किया है। आज यदि छत्तीसगढ़ की जीडीपी तेजी से बढ़ी है, केंद्र से ज़्यादा जीडीपी छत्तीसगढ़ की बढ़ी है, यदि छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है जो पूरे जिसका एक बड़ा कारण है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पहली बार इस देश के अंदर प्रयास हुआ है, वो छत्तीसगढ़ में हुआ, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने का असर ये रहा कि जब कोरोना काल में पूरा देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ उस पर उसका आंशिक असर पड़ा। छत्तीसगढ़ आज भी लगातार तेजी से व्यापार उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और उसका बड़ा कारण यही रहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने प्रयास किया, चाहे वो धान की कीमतों को देने का मामला हो, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना लागू करने का मामला हो, या वनोपज की कीमतों को भी जो है समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का मामला हो। इस तरह से जो किसानों को और ग्रामीण स्तर पर जो गोधन योजना चालू हुई, जिसको आज पूरा देश अपनाने की बात कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा है कि जो है हम गोबर खरीदी करना चाहिए और गोबर से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो पूरा देश जिस चीज को स्वीकार कर रहा है, वो ये तमाम योजनाएं हैं जिसकी वजह से
छत्तीसगढ़ तेजी से छत्तीसगढ़ ने प्रगति की है और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और आगे भी जो है चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में जो प्रयास किया है, सरकार ने जो प्रयास किया है वो सबसे बेहतरीन प्रयास के रूप में दिल्ली के बाद अब लोग छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं इस विषय में। अर्णव जी, कितना उम्मीद है इस बजट से, क्योंकि 3 साल निकल चुके हैं और ये चुनावी बजट रहेगा इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी बहुत सारे वादे अधूरे हैं, युवाओं को अभी भी रोजगार की बात की जा रही वो अधूरी है, बेरोजगारी भत्ते का अता पता नहीं है, शराबबंदी का अता पता नहीं है। हाँ, ये है कि इस बार पुरानी पेंशन योजना जरूर लागू हो सकती है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने कर दी, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर यहां पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी था और शायद आज सरकार इस बजट में उसको पूरा भी कर दे। विपक्ष इस बजट को, जो आने वाला बजट है, इसको किस तरह से देख रहा है, क्या उसमें होना चाहिए और क्या उम्मीद है आपको इस बजट से लेकर? आदित्य जी, लूट झूठ और फरेब का अद्भुत घालमेल है ये सरकार, और ये सरकार तो झूठ बोलने में इतने आगे बढ़ गई कि राज्यपाल के अभिभाषण में इन्होंने राज्यपाल तक से झूठ बोलवा दिया। राज्यपाल के अभिभाषण में राज्यपाल महोदया ने कहा कि केंद्र राज्य सरकार ने जो 36 वादे किए थे उसमें से 29 वादे पूरे हो गए हैं, जबकि कल माननीय कौशिक जी के एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में भूपेश बघेल जी ने स्वयं जवाब दिया कि 36 में से 17 वादे पूरे हुए हैं और 19 वादे पूरे होने बाकी हैं। जब ये जन घोषणा पत्र आई थी और ये सरकार बनी थी तो इस जन घोषणा पत्र को चीफ सेक्रेटरी को सौंपते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब ये सरकारी डॉक्यूमेंट बन गया है और हमें इस पर कार्य करना है। 3 साल बाद भी इस पर कितना कार्य हुआ ये जनता इस बात को पूछ रही है। मुझे तो लगता है इस बजट में सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को अपने राष्ट्रीय नेता की इज्जत बचाते हुए प्रत्येक जिले में, जो उन्होंने झूठ कह दिया था कि हर जिले में मैं फूड पार्क देखाऊं, सबसे पहले घोषणा तो उसकी करनी चाहिए ताकि इनके राष्ट्रीय नेतृत्व की इज्जत बच जाए। अब आप एक एक करके बात करिए। पिछले बजट में इन्होंने घोषणा की थी कि हम युवा जन घोषणा पत्र में इन्होंने घोषणा की थी कि युवाओं को हम सामाजिक कार्यों से जोड़कर 10 लाख युवाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज 3 साल गुजर जाने के बाद कांग्रेसी ये कहने लगे हैं कि हमने कभी बेरोजगारी भत्ता की बात ही नहीं की, हमने तो ये देने का वादा ही नहीं किया तो हम कैसे करेंगे। मतलब पूर्णतः पलटू सरकार है। इसमें बड़ी उम्मीद है इन विद्यार्थियों को कि इनको 2500 रुपये भत्ता मिलेगा। जहां तक माननीय कन्हैया जी ने आत्मानंद स्कूल की बात की, एक अच्छा प्रयास था, लेकिन उस प्रयास में आपने छत्तीसगढ़ के पूर्व महानुभावों को विस्मृत कर दिया और इन जो 100 जितने स्कूल आपने खोले वहां के हिंदी मीडियम स्कूल के 71,000 बच्चों का कहीं कोई व्यवस्था नहीं की। बिलासपुर में आप देखिए, भ्रष्टाचार को पनपने के लिए उस कलेक्टर ने विभिन्न जगहों से पैसे लेकर शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पे नियुक्त किया। ये सरकार पूर्णतः झूठ पे टिकी है। बड़ी उम्मीदें हैं। आप जैसे पिछले समय 350 करोड़ रुपए नए रायपुर में बसाहट के लिए किए थे, कुछ नहीं हो पाया। आजादी के इतने साल बाद भी सबसे बड़ा सपना होता है गरीब का, मकान का। इस सरकार ने पिछले सालों में 11 लाख प्रधानमंत्री आवास वापस किए। इस बजट में उसकी व्यवस्थाएं मुझे लगता है आदित्य जी होनी चाहिए। जल जीवन मिशन के लिए कल स्वयं पीएचई मंत्री ने कहा कि 10,000 करोड़ आ चुका है। आप आज सबसे पीछे हैं पूरे देश में। घर घर जल पहुंचाने के लिए इस बजट में योजनाएं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए योजनाएं होनी चाहिए इस बजट में। अजय जी, चूंकि सरकार कुछ योजना के संचालन के लिए सेस लगाने की तैयारी कर रही, खासतौर से राजीव मितान क्लब जो योजना शुरू करना है, अभी तक जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ साथ अब जो भूमिहीन मजदूर हैं उनके लिए भी न्याय योजना के लिए पैसे यहां पर देने हैं, इसके अलावा गोधन न्याय योजना के लिए पहले से ही सरकार सेस लगा रही है, कुछ सेवाओं में सेस लगाने की तैयारी है, कितना फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल आदित्य जी, समस्त राज्य सरकारें जो आर्थिक प्रतिकूल स्थितियां हैं जिनके कारण से अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए इस तरह का निश्चित रूप से प्रावधान रखेंगी। और चूंकि देखिए, ग्लोबलाइजेशन के बाद भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, वो ये था कि खासतौर से कांग्रेस, साम्यवादी पार्टियां जिन नीतियों को अपना करके चलती थी उन नीतियों को अपनाना आरंभ की, जैसे खाद्य सुरक्षा बिल या मनरेगा या फिर हम कह सकते हैं भूमि अधिग्रहण बिल। इन सब सेक्टरों को देखते हैं तो सोशल सेक्टर के ऊपर कांग्रेस का एक धड़ा फोकस होना प्रारंभ किए और वो अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये तो काबिले तारीफ है। अगर सरकार बजट को मैनेज कर सकती है तो भूमिहीन मजदूरों के लिए अगर 6,000 रुपया उनको सालाना मिलता है तो स्वागत योग्य है। लेकिन दूसरी बात इसमें ये आ रही है कि अन्य सेक्टर, आज की जो आवश्यकता है, चाहे स्वास्थ्य के ऊपर हो, एजुकेशन के ऊपर हो, आप कर्मचारियों के पेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं, स्वागत योग्य है, लेकिन आपके राज्य में
जो सेंक्शन पोस्ट है उन सेंक्शन पोस्टों को आप भरते हो तो युवाओं में एक उमंग आएगा, तरंग आएगा और स्वाभाविक है कि उसका सृजनात्मक लाभ हमारे प्रदेश को मिलेगा। कन्हैया जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले दो साल COVID-19 को लेकर बहुत नुकसान हुआ है। निश्चित तौर पर जितना रेवेन्यू आना था वो रेवेन्यू नहीं आ पाया, लेकिन देखिए उम्मीदें थी तभी 70 का मैंडेट यहाँ की जनता ने आपको दिया है। युवा बहुत तेजी के साथ इस सरकार की तरफ देख रहे हैं, चूंकि पहला दो साल हम देखें तो निश्चित तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कराने के लिए काफी कुछ काम हुए, इसमें कोई शक नहीं है। मील का पत्थर भी गोधन न्याय योजना शामिल हुई है, लेकिन युवा सबसे महत्वपूर्ण वोटर होते हैं किसी भी राज्य के। ये अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप के लिए बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट से। बहुत ज्यादा अगर मैं देखूं बजट का आकार तो बहुत ज्यादा करने के लिए है नहीं, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ता है आपके पास लोन कितना, ये भी देखना पड़ता है सरकारी कर्मचारियों की आपको सैलरी कितनी है, उसके बाद जो चीजें बचती उसमें बाकी चीजों की प्लानिंग आपको करनी पड़ती है। COVID-19 ने एक चीज बेहद साफ कर दिया है कि आपको स्वास्थ्यगत ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा, आपको हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्या उम्मीद लग रही है कि युवाओं की मांग इस बार पूरी हो पाएगी? देखिए, मैं फिर उस बात को कहूंगा कि जो एक लाइन ट्वीट पर है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये न्याय यात्रा चालू रहेगी और सारे लोग वर्ग उसमें समाहित होंगे। तो युवाओं के लिए अभी राजीव मितान क्लब योजना की आप बात कर रहे थे, वो राजीव मितान क्लब योजना को लागू करने की घोषणा हो चुकी है, उस पर काम प्रारंभ हो चुका है। प्रत्येक वार्ड में जो है वो टीम तैयार हो रही है, जो सामाजिक कार्यों के माध्यम से युवाओं को किसी हद तक कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। तो युवाओं के लिए इस योजना के साथ साथ अन्य योजनाओं को भी अभी बजट आने वाला है, दो घंटे बाद हम लोग सब देखेंगे किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करने के साथ साथ राज्य को संतुलित करने का भी प्रयास किया है। जैसा कि आप कह रहे हैं, आय जितनी है उस आय में सभी चीजों को समेटना है और धीरे धीरे केंद्र से राशि भी रोक रहा हूं। आप एक व्यापारी भी हैं, व्यापार जगत को भी काफी उम्मीद रहती है बजट को लेकर, क्योंकि वो वर्ग ऐसा होता है जो सीधे तौर पर वित्त मंत्री जब बजट प्रस्तुत करता है सबसे ध्यान से अगर कोई इस बजट को सुनता है तो वो व्यापारी होता है। व्यापार जगत से भी जुड़े हुए आप, कुछ है व्यापारियों को उम्मीद इस बजट से? व्यापारियों के लिए दरअसल जब से GST लागू हुआ है राज्य के पास किसी तरह का टैक्सेशन का प्रावधान रह नहीं गया है, केवल सारे के सारे टैक्स GST के अंतर्गत जो है आ गए हैं और GST क्षतिपूर्ति भी मिलना अब जैसा कि अभी चंद्राकर जी कह रहे थे कि धीरे धीरे लगभग बंद होने की कगार पे आ गई है। तो जो राज्य की आय का जो स्रोत है वो स्रोत में धीरे धीरे कमी आ रही है। रॉयल्टी बढ़ाने की मांग मुख्यमंत्री जी ने कही कई बार, बल्कि हमने भाजपा के सांसदों से भी उन्होंने कहा कि ये सांसद देश प्रधानमंत्री जी से कहें कि किस तरह से राज्य का कोटा बढ़े, लेकिन सांसदों ने शायद इस बात को अनसुना कर दिया, चाहे वो कोरोना के समय की बात हो या अन्य और समय की बात हो। जब जब सांसदों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनको आमंत्रित भी किया कि राज्य के आर्थिक हितों को लेकर प्रधानमंत्री से बात करें, वो कभी इस चीज के लिए राजी नहीं हुए, कभी बैठक में भी नहीं आए हैं, इसको लेकर के भी लंबी बहस चली है। पर मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बजट जो है जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है दो घंटे बाद आप सबके समक्ष होगा और वो बजट राज्य के लिए सर्वांगीण हितकारी होगा। घोषणाओं की जब बात होती है कि इन्होंने घोषणा नहीं निभाई, हम घोषणा निभाने के क्रम में यदि सरकार में बैठते साथ पहला हस्ताक्षर इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी किसानों के लिए करने का काम जो मुख्यमंत्री करता है और तमाम बड़े वादे पूरे कर चुके होते हैं, तो छोटे छोटे जो वादे यदि बचे हैं वो वादे भी पूरे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 15 साल में सरकार जो रही उन वादों को 15 साल तक पूरा नहीं करने के बाद वो आज हमसे पूछ रहे हैं कि वो वादों का क्या हुआ। चाहे वो जर्सी गाय देने का मामला रहा हो, उन्होंने कहा था जर्सी गाय देंगे हमारे घर में, आज तक वो कभी वो वादा पूरा नहीं हुआ। किसानों को बोनस देने की बातें थी, बोनस जनता ने काबिज किया है और उनको सत्ता से हटाया है। मैं वही बात कह रहा हूँ आदित्य जी, जो है जब हमने वादे पूरे किए तभी ये सरकार वापस जो है, चाहे पंचायत स्तर के चुनाव के मामला हो, हर चुनाव में लगातार यदि जीतती आई, विधानसभा के उपचुनाव का मामला हो, तो इसीलिए जीत करके आए हैं हम लोग, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है और उस काम से अंतिम स्तर पर जो रहने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति तक लाभान्वित हुआ है। देखिए उपचुनाव और पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव की बात करें तो जिसकी सरकार रहती है काफी कुछ जनता भी आजकल समझती है कि अगर सरकार जिसकी रहेगी तो शायद ज्यादा फायदा आम जनता को मिलेगा, तो ये चुनाव का दूसरी परिपाटी भी है। अनुराग अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़े हुए। अनुराग जी की अगर युवाओं की बात करें, यूथ को लेकर काफी कुछ फोकस रहने वाला है ये बजट जैसा कि नजर आ रहा है, लेकिन मैं फिर कहूंगा बजट का आकार कितना उम्मीदें देगा इस बात में कि युवाओं पर फोकस हो पाएगा, तो खैर 12:30 बजे के बाद समझ में आएगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कह सकता कि ये चुनावी बजट होगा, ये लोक लुभावन बजट होगा।
बीजेपी की क्या तैयारी है, क्योंकि देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लगातार बल मिल रहा है, गांव की जनता को कोई दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जब किसी के अकाउंट में पैसे की घंटी बजती है तो पैसा कहां से आ रहा है आम जनता को मतलब नहीं रहता, पैसा उसकी जेब में आ रहा है निश्चित तौर पर सरकार के लिए प्लस पॉइंट रहता है, जनता क्योंकि सरकार का समर्थन करती है। ऐसे में जब बजट आ रहा है कुछ देर बाद वो बजट पेश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी, क्या सुझाव कोई भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट को लेकर दिया है और बजट आने के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि वो हर बार की प्रतिक्रिया है बजट जो है वो आम लोगों के से जुड़ा नहीं है, ये सब के अलावा क्या कोई सृजनात्मक चीजें सामने आएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? आदित्य जी, अर्थशास्त्र कहता है कि संतुलित बजट वो होता है जिसमें स्थापना व्यय कम हो और अधोसंरचना मद में खर्च ज्यादा हो। 3 साल में इस सरकार ने अधोसंरचना मत में 1 रुपए भी खर्च नहीं किया है, 1 ईंट बता दीजिए जो अधोसंरचना मत में ये सरकार खर्च कर पाई हो। नाकामी की हद तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो अटल एक्सप्रेसवे 3 साल में बनकर तैयार हो गया था, आज 3 साल गुजर करने के बाद उसकी मरम्मत तक ये सरकार नहीं कर पाई है। 51,000 करोड़ रुपए का कर्ज इनके आर्थिक कुशासन की साफ सीधी कहानी कह रहा है और जैसी परिस्थितियां इस प्रदेश की बता रही है, ये 2 साल में इस प्रदेश को 1,00,000 करोड़ से ऊपर के कर्ज में लेके चले जाएंगे। अभी माननीय चंद्राकर जी ने कहा था कि एक बहुत बड़ा मद इस कर्ज के ब्याज का है, इस सरकार के लिए तो बहुत बड़ा पैसा वहां करना पड़ेगा। दूसरी बात, अब जहां तक यूथ की बात की है, इन्होंने यूथ के लिए राजीव गांधी मितान क्लब की स्थापना की है जिसमें मात्र 12 करोड़ रुपए खर्च होगा और ये जो क्लब है ये विशुद्ध रूप से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सीधा मनी ट्रांसफर के लिए है। इसके अलावा इस क्लब का कहीं कोई कार्य नहीं है क्योंकि इस क्लब के जो योग्यता है उसमें योग्यताओं में राजनीतिक योग्यता जुड़ी गई है, मतलब सीधी सीधी बात यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सीधा लाभ दिलाने के लिए यह योजना है। कृषि क्षेत्र की अगर बात करें तो कल एक प्रश्न के उत्तर में स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश जी ने स्वीकार किया है कि 87,000 कृषि पंप के आवेदन हमारे पास आए थे जिसमें से 51,000 कृषि पंप लगाना आज भी बाकी है। आप पूर्ववर्ती बजट को देखिए ना, इन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए 300 करोड़ का बजट रखा था, मेडिकल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति मिली है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे कुछ नहीं हुआ है और उस स्थिति में जब 150 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे चुकी है। विभिन्न चौराहों पे, चौक चौराहों पे इस सरकार ने एक बड़े बड़े बोर्ड लगाए कि 5 लाख युवाओं को हमने नौकरियां दी। कल स्वयं मुख्यमंत्री जी स्वीकार किए कि 3 वर्षों में 21,210 नौकरियां हमने दी हैं, फिर ये कहने लगे हमने रोजगार दिया। नौकरी और रोजगार में बड़ा अंतर होता है, कहां आप 5 लाख का ढिंढोरा पीटते हैं और मात्र 21,000 नौकरियां देते हैं। मैं फिर कहता हूं सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब की ये सरकार है, ये बजट में कुछ भी घोषणाएं कर दे, आर्थिक कुप्रबंधन में ये फंस चुकी है, 72% स्थापना व्यय हो चुका है, इस कुप्रबंध से निकलने के लिए इसके पास कोई रास्ता नहीं है। यहां के पैसे से असम का चुनाव लड़ेंगे, यहां के पैसे से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता तो खाली हाथ आगे भी रहने वाली है। कन्हैया जी, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि आप जो है कहीं ना कहीं लोन लेकर घी पी रहे हैं या पैसे लेकर घी पी रहे हैं, ये लग नहीं रहा है कि चुनाव जो अगले साल होने वाला है निश्चित तौर पर सब कुछ देने की कोशिश मुख्यमंत्री, चूंकि वित्त मंत्री की भी भूमिका निभा रहे हैं, कोशिश करेंगे लेकिन चुनौतियां बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चुनौतियां होने के साथ साथ वो वर्ग भी है जिसने बहुतायत से प्रदेश अध्यक्ष जब वो हुआ करते थे, नेता प्रतिपक्ष जब टीएस सिंहदेव हुआ करते थे, काफी भरोसा किया था क्योंकि घोषणा पत्र में वो बातों का जिक्र किया गया था जो आम जनता से सीधे जुड़ी हुई। अभी भी संविदा कर्मियों को नियुक्ति नहीं हो पाई है, अभी भी बहुत सारी परेशानियां, शिक्षा कर्मियों की बहुत सारी परेशानियां, पुलिस कर्मियों की बहुत सारी परेशानियां, ये करते करते शायद जो अभी बजट हमारा जा रहा है, जो स्थापना व्यय लगातार बढ़ रहा है, क्या ये लगता नहीं कि बहुत बड़ी चुनौती होगी इस बजट को संतुलित कर पाना? देखिए, बेहतर प्रबंधन बजट में हो इसका प्रयास अर्थशास्त्रियों के साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं और जहां तक के स्थापना व्यय का मामला है, स्थापना व्यय कोई कांग्रेस की सरकार आने के बाद नहीं बढ़ा है। जो स्थापना व्यय चल रहा था उसमें कितने लोगों की यदि नई नियुक्तियां हुई है तो एक तरफ इनको आपत्ति है कि नई नियुक्तियां नहीं हो रही है, यदि नई नियुक्तियां होने से स्थापना व्यय बढ़ रहा है तो जो जिन शिक्षा कर्मियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेलों में ठूंस दिया गया था, आधी रात को जेल मैनुअल के खिलाफ जाकर शिक्षा कर्मियों के नेताओं को मार पीट कर उनसे जबरन समझौते के पत्रक पे हस्ताक्षर कराए गए थे, यदि उन शिक्षा कर्मियों की मांगों को कांग्रेस की सरकार में पूरा किया गया है तो उनको उनके आने से कहीं बढ़ा है स्थापना व्यय तो वो मंजूर है। उसके समाधान जो उस खर्चों का कैसे पूर्ति होगी वो प्रयास सरकार कर रही है और जो ऋण दिया गया, जिस ऋण की बात ये बार बार करते हैं, किसी तरह से मोबाइल बांट करके कमीशन खाने के काम के लिए ऋण नहीं लिया गया है,
ये ऋण लिया गया है किसानों को कर्जा माफ किया गया, ये ऋण लिया गया किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ का उनका जो किसान न्याय योजना लागू की गई वो देने के लिए, ये ऋण लिया गया वनोपज को सरकारी मूल्य में समर्थन मूल्य में खरीदी करने के लिए। तो अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, हम इस अन्नदाताओं को मजबूत करने के लिए ऋण ले रहे हैं, तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि उसमें कमीशन नहीं मिल पा रहा है। और ये कमीशन का काम कितनी अच्छी बात है कन्हैया जी, आप 51,000 करोड़ का खर्च कर्ज लेते हैं, मात्र 11,000 करोड़ रुपए आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खर्च करते हैं, 40,000 करोड़ रुपए का इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं। कोरोना काल में आपने शराब सेस लगाया और उस पैसे का आज तक आपने 1 रुपए का जवाब नहीं दिया। आपने कहा था कि उसमें वैक्सीनेशन लेंगे, वैक्सीन कर देंगे, पूरा वैक्सीन का पैसा केंद्र सरकार ने दिया है, वो पूरा पैसा गया कहां? जनता बार बार पूछ रही है पैसा गया कहां। अद्भुत घटना है भाई, रायपुर में आपके नगर निगम ने जो कोरोना सेंटर बनाया था वहां पे एलईडी बल्ब का किराया एलईडी बल्ब से 4 गुना दिया गया, बिस्तर का किराया 4 गुना दिया गया, 1 करोड़ रुपए का सीधा सीधा घालमेल निकला उसके ऊपर, सरकार आंख मूंदने पड़ी है। स्मार्ट सिटी के पैसे से आप 7 करोड़ रुपए का फवारा लगाते हैं जो एक दिन भी नहीं चलता, आप तो स्वयं जानते हैं उस चीज को। ये सरकार पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से विफल सरकार है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, ये लूट की सरकार और झूठ की सरकार। बिल्कुल, देखिए विपक्ष को बहुत ज्यादा उम्मीदें तो लग नहीं रही बजट से, लेकिन आम जनता बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही कि 12:30 बजे जब सदन के पटल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बजट रखें तो निश्चित तौर पर जो निगाहें लगातार लगी हुई है, टकटकी लगा रही कि बजट उनके लिए होगा, उनके लिए बेहद कुछ खास होगा, वो खास उस बजट में दिखाई दे। बजट के बाद भी हम आपसे बातचीत करेंगे कि बजट में क्या खास रहा। फिलहाल आज आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।